मेरे अतीत के सारे सबूतों को मुझे लौटा दो। इतनी जल्दी क्या है राज? और तुम्हें क्या लगा स्वर्ण भवन से सबको बाहर निकालकर तुम मुझे मात दे दोगे? शायद तुम ये भूल रहे हो कि जो खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो उस खेल में मैं तुमसे दो कदम आगे हो गई ना शय और मात। ये रहा तुम्हारे अतीत का कड़वा सच। क्या हुआ राज? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें अपने अतीत से बहुत नफरत है, लेकिन देखकर तो लगता है कि कि अगर किसी को अपने अतीत से इतनी नफरत होगी तो उसके लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाएगा भला? अगर इस सच को छुपाने के लिए मैं इतनी बड़ी कीमत दे सकता हूं तो जरा सोचिए, अगर तुमने तुम्हारी जबान जरा भी खोली तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। प्रसाद का हलवा दूध में बनाती हो, हमेशा तुम पानी क्यों डाल रहे हो? वो भी इतना सारा। तुम्हें तो सब कुछ उंगलियों पे याद रहता है, तो आज भूल कैसे गई? ये भाभी, भाभी, जब से हादसा हुआ है छोटी से छोटी बात भूल जाते, कुछ याद ही नहीं रहता हमें। हम क्या करें भाभी, हम क्या करें? कोई बात नहीं, ये सब मैं कर लूंगी, मैं बना लूंगी। नहीं नहीं, हम नहीं नहीं नहीं, मैं करूंगी। तुम जाओ, मुझे जाके तैयारी देखो। जय माता। अरे देखो वहां कोई जख्मी पड़ा। जब तक अल्पेली जी ना आएगी मैं कुछ ना खाऊंगा। अरे वो तो महीनों दिन बाद आएगी, उसके ना होने का तमाशा करेगा तू। या कितनी बार तने समझाया कि किसी को ना बताना कि वो गई है पैसा कमाने वास्ते। अरे उस झुमरू को पता चलेगा तो कितना नाटक करेगा साला। ए मामा, तू बैठना थे, बैठ बैठ बैठ। अरे उसको बोल एक कप चाय बनाए तेज पत्ती मार के। झुमरू वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ गई है? बीड़ी लेने गई होगी नुक्कड़ पे। वो के है ना कि शहर से नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है नौटंकी वास्ते, वही गई है। क्या सोच रहे? कुछ तो गड़बड़ है अब, ऐसी नहीं हो सकती। इतना सेल्फिश बिहेवियर, परिवार वालों की कोई चिंता नहीं, यहां तक पावनी की कोई फिक्र। सदमा चाहे कितना भी गहरा होगा, मेरी आभा कभी अपने संस्कार नहीं भूल सकती। हमें एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए।